आज मैं आपको स्पाइसी स्पेशल मटन करी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो प्याज को कट करके ले लिया है। मैंने गैस पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने तड़के के लिए जो सामग्री ली वो देख लिया था। मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, चक्रफूल, लौंग और दालचीनी ले लिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हमने आपको जो तड़के की सामग्रियाँ दिखाई थी उसको हम तेल में डाल देंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम अपने कट किए हुए प्याज को इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सभी खड़े मसाले ले लिए हैं। आप कोई भी मसाले का यूज़ करें, लेकिन खड़े मसाले का यूज़ एक अलग टेस्ट देता है। अब मैं इसका मिक्सर जार में पाउडर बना के तैयार करूँगी। मैंने आपको जो खड़े मसाले दिखाए थे उन सभी का मिक्सर जार में पाउडर बना के तैयार कर लिया मैंने। मैंने यहाँ पे 2 काट लहसुन को छिलके के ले लिया है, 5 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक ले लिया है और 2 प्याज को कट करके ले लिया है। इन सबका मिक्सर जार में आप पेस्ट बना के तैयार करेंगे। मैंने मिक्सर जार में इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने जो आपको पेस्ट बना के दिखाया उसको हम अपने प्याज में डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मटर ले लिया, उसे अच्छे तरीके से धुल के साफ़ कर लिया है। मेरा प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होके पक चुका है। मैंने जो पेस्ट डाला था वो भी पक चुका है। अब मैं अपने मटन को इसमें डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरीके से अपने प्याज और पेस्ट के साथ मिक्स करके पकाएंगे। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। हम स्पाइसी चिकन बना रहे हैं तो हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ ज़रूर करेंगे। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं अपने खड़े मसाले का पाउडर डाल दूंगी इसमें जो हमने आपको बना के दिखाया था। मैंने अपने खड़े मसाले के पाउडर को भी अच्छी तरीके से अपने मटन में मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने मटन में गर्म पानी डाल दूंगी।
इसे भी एक बार मिक्स करके अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें सीटी लगा लेंगे। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। सीटी लग चुकी है, हम कुकर का ढक्कन खोल करके चेक कर लेंगे। हमारा स्पाइसी स्पेशल मटन करी बनके तैयार हो गया, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मेरा स्पाइसी स्पेशल मटन करी बनके तैयार हो गया है, मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और अगर आपको यह पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।